18 दिसंबर गरी मेला सत्यनारायण की पुण्यतिथि है। गरी मेला सत्यनारायण कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुआ था। उन्होंने आंध्र के लोगों को देशभक्ति के गीतों के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध प्रेरित और एकजुट किया। जब महात्मा गांधी ने लोगों से नागरिक अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अपील की तो गरी मेला पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध गीत माँ कोड्डी तेल्ला डोरा टानामो लिखा, जिसके लिए उन्हें 1922 में एक वर्ष की जेल की सजा हुई। गांधी टोपी पेटी पाटा चाला लोगी रावो दंटाडो रातम बड़िलो पेटा वो दंटाडो टोपी तीसी वी पुलु बादु ताडो अयो राजा द्रोगा मंता रातनलो उंदंटा माकोच्ची जल्लो रपनमो। जेल से रिहा होने के बाद वे गांवों में गीत गा गा कर आंदोलन में भाग लेते रहे। इसके लिए उन्हें 2.5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। गरी मेला के जेल में रहने के दौरान उनके परिजनों का निधन हो गया। कई वर्ष अत्यधिक गरीबी में बिताने के बाद 18 दिसंबर 1952 को गरी मेला का निधन हो गया। आज हम महान नेता वी वेंकट सुब्बा रेड्डियार का भी स्मरण कर रहे हैं। वे उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पांडिचेरी में फ्रांस के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। वी वेंकट सुब्बा का जन्म पांडिचेरी में धनी किसान परिवार में हुआ था। 1946 में वे नेटा पक्कम के महापौर बने। उन्होंने मांग की कि फ्रांसीसी पांडिचेरी छोड़ दें और उसे भारतीय संघ में शामिल होने दें। रेड्डियार सहित 12 नेताओं ने 1954 में फ्रांस सरकार की समानांतर सरकार का गठन किया। 13 अक्टूबर 1954 को भारतीय संघ में पांडिचेरी का विलय हो गया। वेंकट सुब्बा रेड्डियार पांडिचेरी के लोक निर्माण विभाग के मंत्री बने और उसके बाद 2 बार पांडिचेरी के मुख्यमंत्री भी रहे। नमन इस विभूति को। पंजाब करा की सिफ्त तेरी शाना दे सब सामान तेरे जल पौन तेरा हरियाल तेरी दरिया पर्वत मैदान तेरे। आज हम पंजाबी कवि धनीराम चत्रिक को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 18 दिसंबर 1954 को हुआ था। धनीराम ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान और उसके उपरांत अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना प्रकट की। उन्हें आधुनिक पंजाबी कविता के प्रमुख कवियों में शामिल किया जाता है। पंजाब करा की सिर्फ तेरी ओ।